एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में रामगढ़ताल स्थित नौकायान के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें टू व्हीलर व फोर व्हीलर वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान अधिकतर बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा दिखा, जिनसे काफी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसका चालान ध्वनि प्रदूषण में किया गया। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाना तथा बिना सीट बेल्ट फोर व्हीलर वाहन, दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठा कर चलाना और यातायात नियमों का पालन न करने पर करीब 150 से अधिक वाहनों का चलान एमबी एक्ट में किया गया। इस संबंध में यातायात पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाकर चले, चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट लगाकर चले, दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी ना बैठाएं, गाड़ियों में मॉडिफाइड साइलेंसर ना लगाकर चले, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, कभी नहीं लगाते क्योंकि आपने उसको फिट कर दिया और कभी प्रयोग नहीं करते, उसका प्रयोग लगाइए, उसको लगाइए, एक और बैठी थी ना उसको भी बैठाओ बैठाओ। मॉडिफाइड साइलेंसर के बारे में ये चेकिंग की जा रही है, जिन वाहनों की जो है ध्वनि की तीव्रता अधिक है और निर्धारित जो है डेसिबल से अधिक है, जिसके कारण से ध्वनि प्रदूषण जो है की समस्या उत्पन्न होती है, उसके संबंध में चेकिंग कराई जा रही है। और साथ ही साथ में जिन लोगों के द्वारा जो है ट्रिपलिंग की जा रही है दोपहिया वाहन में, या हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको जो है जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, वह सड़क सुरक्षा के संबंध में भी उनको जानकारी दी जा रही है। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, दो पहिया वाहन पर निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही दो लोग ही बैठें, हेलमेट का दोनों सवारी जो है प्रयोग करें और कार में जो है सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और निश्चित जो भी यातायात पुलिस के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं या ट्रैफिक लाइट लगी हैं उनका पालन अवश्य करें।